हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित ऐतिहासिक मीनाक्षी मंदिर के बारे में। यह मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं यह मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में। हिंदू आलेखों के अनुसार मदुरई के राजा मलई ध्वज पंड्या की घोर तपस्या के फल स्वरूप माँ पार्वती ने उनके घर में पुत्री का अवतार लिया था। तब भगवान शिव पृथ्वी पर सुंदरेश्वर के रूप में स्वयं देवी मीनाक्षी यानी मां पार्वती से विवाह रचने के लिए अवतरित हुए थे। तब यह मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर का स्थापत्य और वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इस मंदिर में 12 भव्य गोपुरम है जो विस्तृत रूप में शिल्पित और कुशलता पूर्वक रंग किए गए हैं, जो देखते ही हमें आकर्षित कर देते हैं। यह मंदिर तमिल लोगों का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है एवं इसका वर्णन तमिल साहित्य में पुरातन काल से ही होता रहा। इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ भूमि में बना है, जिसमें मुख्य मंदिर की लंबाई 254 मीटर और चौड़ाई 237 मीटर है। यह मंदिर की 9 मंजिल है और इस मंदिर में शिव की नटराज मुद्रा भी स्थापित है। साथ ही यहाँ एक गणेश मंदिर भी है जिसे मुकुरनई विनायगर कहते हैं। इस मंदिर के परिसर में एक पवित्र सरोवर है जो 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है, जो सुवर्ण कमल से सुशोभित है। मीनाक्षी तिरुकल्याणम इस मंदिर से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है जो अप्रैल महीने में होता है। इस मंदिर में मुगल शासक मलिक कफूर ने खूब लूटपाट की थी और उसके प्राचीन घटकों को नष्ट कर दिया था। बाद में 14वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण किया गया। आज हम देख रहे हैं वो 14वीं शताब्दी में बनाया हुआ एक ऐतिहासिक मंदिर है। तो आई विश आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पावर बैक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।